नमस्कार दोस्तों, यूपी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूली की पत्ती और मूली और बेसन का स्वादिष्ट सब्जी बनाना सीखेंगे। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मूली को खा लेते हैं और बाकी पत्तियों को फेंक देते हैं। तो पत्तियों को फेंकना नहीं है, पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम मूली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मूली के पत्ते में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2-3 मूली ले लिया है, अब हम इसके पत्ते निकाल लेंगे। हमने पत्तों को निकाल लिया है, अब हमें करना क्या है, हम मूली के पत्तों को इस तरीके से जो कड़े डंठल हैं उसे निकाल लेंगे, बाकी के मुलायम पत्तों को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बारीक टुकड़ों में काटेंगे। इस तरीके से हम सारे पत्ते के डंठल को तोड़ देते हैं और डंठल को हम फेंक देंगे, ये मुलायम पत्तों को काट लेंगे। हमने सभी पत्तों को तोड़ लिया है, अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। जिस तरह से हम पालक और मेथी को काटते हैं, उसी तरीके से हमें उतना बारीक काट लेना है। तो हम मूली के पत्तों को बारीक बारीक टुकड़े में काट लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने मूली के पत्ते को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम एक मूली लेंगे, जितना हम पत्ता लिए हैं उसके हिसाब से मूली लेंगे। तो हम एक मूली लेंगे। सबसे पहले हम मूली को इस तरीके से छील लेंगे। अब हम मूली को भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले मूली के 2 भाग कर लेंगे, उसके बाद बीच में 1 भाग और कर देंगे और अब हम पतला पतला काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मूली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले एक बोल लेंगे इस तरह के और इसमें हम मूली के पत्तों को डाल देंगे। उसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे और हमें 1/2 चम्मच नमक डाल देना है। नमक डालकर हम अच्छे से मूली के पत्तों को मिक्स करके भिगा देंगे। इससे हमारे मूली के पत्ते और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इस तरीके से मूली के पत्तों को भिगाकर 5 मिनट तक रख देंगे, तब तक हमारे मूली के पत्ते सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक हमारे मूली के पत्ते सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक हम बेसन भून लेते हैं। तो चलिए हम बेसन भून लेते हैं और मूली के पत्ते को एक किनारे पर रख देते हैं। हम गैस पर एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका। अब हम 1/4 का बेसन लिए हैं। बेसन को हम इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। बेसन को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक बेसन का हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और बेसन से खुशबू ना आने लगे। बेसन के कच्चेपन को ख़त्म करने तक का भून लेना है। तो हम बेसन को भून लेते हैं 2-3 मिनट तक। ध्यान रहे दोस्तों, बेसन को भूनते समय गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे, नहीं तो हमारे बेसन कच्चे ही रह जाएंगे और जल्दी से जलने लगेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमें बेसन को भून लेना है। बेसन से जब अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब हम बेसन को भूनना बंद करेंगे। बेसन मूली की सब्जी में डालने से मूली में लम्स नहीं पड़ते और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। बेसन से अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों, मूली के पत्ते को भी रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम मूली के पत्ते के सारे पानी निचोड़ लेंगे। इस तरीके से हाथ से हम सारे पानी निचोड़ लेंगे। हम मूली के पत्ते के पानी निचोड़ कर किसी बर्तन में रख देंगे। हमने मूली के पत्ते के पानी निचोड़ लिए हैं। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे।
तो तेल हम शुद्ध सरसों का डाल रहे हैं और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। हमारा जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम कटी हुई मूली डाल देंगे। मूली को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मूली अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम मूली के पत्ते को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई कप हरा धनिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है। हरी सब्ज़ी में ज़्यादा नमक नहीं डाला जाता, तो हम थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। हमें मूली को तब तक पकाना है जब तक मूली अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम ढक्कन से ढक देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। दोस्तों एक बार हम ढक्कन को खोलकर चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो सब्जी को चेक करने के लिए हम इस तरह से कलछी से मूली को दबाएंगे। यदि मूली अच्छे से दब जाती है, मूली के टुकड़े आसानी से हो जाते हैं, तो हमारी सब्जी पक चुकी है। तो हमारी मूली अच्छे से टुकड़ों में हो जा रही है, तो हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले डाल देते हैं। ये हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चुटकी हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जीरे और धनिया का पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली की सब्जी बनकर तैयार है। यदि आप बेसन नहीं डालना चाहते तो मूली की सब्जी ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बेसन भूनने के बाद बेसन में गुठलियाँ नहीं पड़ रही हैं। हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फिर से ढक्कन रख देंगे और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक सब्जी को पकने देंगे। दोस्तों सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मूली और बेसन की सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये सब्जी खाने के लिए रेडी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर सब्जी को बनाएं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों हमने सब्जी को एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छी सब्जी दिख रही है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी होगी। तो आप भी इस तरीके से मूली के पत्ते और मूली बेसन की सब्जी ज़रूर बनाइए खाइए और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये सब्जी पराठे और रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो इस तरीके से सब्जी को ज़रूर बनाइए।